हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और कल हमने हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स इनके बारे में डिस्कशन किया था आज से हम एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में पहले वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन साइड अबिंग स्ट्रिंग आज हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं इसलिए पूरा वीडियो देखना है ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए बहुत आसान है लेकिन आपको देख के समझ लेना पड़ेगा जो नए देख रहे हैं उन्होंने लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज अपना लेक्चर शुरू करता हूं सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन साइड अ स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग यानी क्या है समझ लीजिए कि हमने दो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं दीज आर अवर रिजिड सपोर्ट ये हमारे कौन से हैं ये हमारे हो गए रिजिड सपोर्ट्स अब इन रिजिड सपोर्ट्स में हम क्या करेंगे एक स्ट्रिंग बांध देंगे एक स्ट्रिंग कोई रस्सी होगी कोई तार हो सकता है हमने क्या कर दिया है बांध दिया है और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है एल है सो so, नेचुरली जब हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे प्लग करेंगे प्लक करेंगे यानी जब इसको वाइब्रेट करेंगे तो इसमें से कौन सी वेव ट्रेवल करेगी दैट वेव विल बी ट्रांसवर्स वेव क्यू ट्रांसवर्स वेव बिकॉज ट्रांसवर्स वेव विल ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स सो इसमें ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगी और इस स्ट्रिंग की जो टेंशन रहेगी दैट टेंशन कैन बी इंडिकेटेड एज टी एंड एम कैन बी इंडिकेटेड एज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अब मास पर यूनिट लेंथ क्या है मास पर यूनिट लेंथ यानी अगर टेन के जी की पूरी स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ टेन मीटर है तो मास अपॉन लेंथ कैन बी इंडिकेटेड एज वन के जी पर मीटर दिस विल बी इट्स मास पर यूनिट लेंथ सो स्मॉल एम इज इंडिकेटेड एज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लेट अस कंसीडर एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टी इज टेंशन एम इज मास पर यूनिट लेंथ सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैन बी इंडिकेटेड एज वी इज इक्वल्स टू अंडर अपॉन एम बिकॉज टी इज द टेंशन एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ तो ये हमारा सबसे पहला हमने जो कंसीडरेशन करने थे ये हमारे चार कंसिडरेशन है कि T इज टेंशन M इज मास यूनिट लेंथ L इज लेंथ एंड वेलोसिटी इज अंडर M इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब सो so पहले हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे हम इसे रब देते हैं ताकि हमारे डायग्राम हम अच्छे से बना सके सबसे पहले स्ट्रिंग इज इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे वाइब्रेशन स्ट्रिंग में नहीं है जब मैं क्या करता हूं स्ट्रिंग को प्लक करता हूं तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू करेंगे और जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू करने करेंगे तब सबसे बेसिक यानी कल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन विल बी ऑफ वन लूप क्या तैयार हुआ सबसे पहले एक लूप तैयार हुआ देखिए ये जो डॉटेड लाइन थी वो हमारी स्ट्रिंग थी डॉटेड लाइन थी जो हमारी स्ट्रिंग थी और उसका एक लूप क्रिएट हुआ अब आप कहेंगे कि एक लूप क्यों क्रिएट हुआ तो हमेशा याद रखिए जहां जहां पे रिजिड सपोर्ट होता है वहां वहां पे क्या बनेगा वहां वहां पे नोड बनेगा यानी यहां पे भी क्या बन गया हमारा नोड बन गया जहां जहां पे रिजिड सपोर्ट नहीं होता है वहां वहां पे क्या बन सकता है एंटी नोड बन सकता है सो so यहां पे हमारा क्या बना नोड यहां पे क्या बना नोड एंड लूप कितना फॉर्म हुआ वन लूप इसे कहा जाता है फर्स्ट मोड इसे कौन सा मोड कहा जाता है फर्स्ट मोड़ इसके बाद में अगर आगे वाइब्रेशंस बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा हम ऐसी डायग्राम निकाल सकते हैं कि लूप कितने बढ़ गए दो हो गए एक से हमारे जो लूप है वो दो बन गए हमारी ये स्ट्रिंग ऐसी यानी नोड यहां पे भी क्या है नोड यहां पे भी क्या हो गया नोड और ये कौन सा मोड हो गया हमारा सेकंड मोड सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसके बाद में अगर हम उसे बढ़ाएंगे और तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होंगे और लेटेस्ट से डायग्रामेटिकली हमने यहां पे कितने मोड बना दिए और कितने नोड बन गए तो दिस इज वन नोड दिस इज सेकेंड Node, कि कौन सा मोड हो गया दिस इज आवर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड सो ऑन एज मोड इंक्रीजेस लूप ऑल्सो इंक्रीजेस यहां पे कौन सा लूप है फर्स्ट लूप सेकंड लूप थर्ड लूप देखिए वन लूप से नीचे लूप फॉर्म ही नहीं हो सकता है बिकॉज दिस फर्स्ट मोड कैन बी कंसिडर्ड टू बी लीस्ट वाइब्रेशन इसे क्या कहा जा सकता है लीस्ट वाइब्रेशन कहा जा सकता है सो दिस इज अवर फर्स्ट मोड अगर ये आपको समझ में आ गया तो हमारा पूरा अगला जो एक्सप्रेशन है वो हमें समझ में आ सकता है सो इन फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे कौन सी वाइब्रेशन है नो no वाइब्रेशन बाद में कौन सा है फर्स्ट मोड सेकंड मोड हम कहा गए थर्ड मोड ऐसे अब हम क्या निकाल सकते हैं एन लूप निकाल सकते हैं और कितने मोड्स आ सकेंगे एन मोड आ सकते हैं इसलिए हम तो अभी उसमें नहीं जाएंगे हमने अभी बस तीन मोड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है अगर हम

फर्स्ट मोड सेकेंड मोड और थर्ड मोड इनको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं यहां पे मैं हर एक बार एक एक मोड यहां पे लिखने वाला हूं सो वाइल डिस्कसिंग फर्स्ट मोड हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज ये हमारा फर्स्ट मोड है इस फर्स्ट मोड में हमारे पास दो लेंथ है एक लेंथ हम कह सकते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ एक लेंथ हम कह सकेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ और दूसरी लेंथ हम कैसे Q, 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 कह सकेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्यों क्योंकि वाइब्रेटिंग लेंथ कहां के हैं नोड टू नोड दिज अवर वाइब्रेटिंग लेंथ एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल अब हमने पहले एक्सप्रेशन में निकाला था दैट नोड टू नोड डिस्टेंस इज लैमडा बाय टू सो लेक्वल टू एल एंड लैमडा इज इक्वल्स टू टू एल कौन से मोड के लिए फर्स्ट मोड के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम टू एल फॉर फर्स्ट मोड नाउ वी कैन कंसिडर नाउ वी इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। कौन सा फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है वेर वी इज वेलोसिटी, एन इज फ्रीक्वेंसी लैमडा इज वेवलेंथ So, हम क्या कह सकते हैं हमें निकालनी है एन एन की वैल्यू एन की वैल्यू क्यों एन कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वी कैन राइट वी अपॉन लैमडा अब हमारे पास वेलोसिटी की भी वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लैमडा की भी वैल्यू है सो वी कैन सब्सटीट्यूट एज एन इज इक्वल्स टू की वैल्यू और वन अपॉन लैमडा मल्टीप्लाइड बाय वी बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास डिनोमीटर में आएगी और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट अपॉन एम अब लैमडा की वैल्यू कितनी है टॉय सेल तो हम इसे भी सब्स्यूट कर सकते हैं सो वी गेट एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टॉय सेल अंडर रूट टी अपॉन एम दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आप मेथड बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान में रख लीजिए मेथड क्या है मेथड में हमने सबसे पहले क्या पकड़ा वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग लेंथ कहां से है नोड टू नोड यहां पे एक नोड तैयार हुआ यहां पे एक नोड तैयार हुआ सो नोड टू नोड इज वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग लेंथ एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना है लेमड़ा बाय टू देर फोर लेमड़ा बाय टू इज इक्वल्स टू क्या हो गया एल समझ में आ गया और यहां पे हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली लैमडा की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, थाल इंडिकेट एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टॉय सेल अंडर टी बाय दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल कौन सी फ्रीक्वेंसी है हम अगर यहां पे लिखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हम इसे कह सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और कौन सा हार्मोनिक है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक क्यों फर्स्ट हार्मोनिक कल हमने कहा था कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं इंटीगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो इसे कहा जाता है एन वन इज इक्वल टू एन हो गया कि नहीं तो एन वन इज इक्वल्स टू एन अगर है तो वी कैन राइट दैट दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल इज वन देर फोर दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक वी गेट एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एल अंडर इसे कह लेंगे हम इक्वेशन नंबर वन सेम स्ट्रक्चर में हमें सेकंड मोड निकालना है और थर्ड मोड निकालना है देखिए सो सेकंड मोड के लिए देखिए दिस इज आवर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन अब सेकंड मोड में क्या है हम वाइब्रेटिंग लेंथ निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है एल है वो तो चेंज नहीं होने वाली सो वाइब्रेटिंग लेंथ निकालेंगे नोड 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 सो तीन नोड है अब मैं एंटी नोड क्यों नहीं पकड़ रहा हूं बिकॉज नोड टू नोड एक डिस्टेंस बन जाएगा नोड टू सेकंड नोड एक डिस्टेंस बन जाएगा सो वी गेट नोड 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 एंड वी कैन राइट नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना है लैमडा बाय टू प्लस दिस नोड टू दिस नोड कितना है बाय कितना आ गया एल हमारा फॉर्मूला वही है नाउ वी कैन राइट दैट नाउ वी कैन राइट फॉर्मूला इज वी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया हमारे पास लैमडा इफ वी इज इक्वल्स टू एन वी कैन गेट एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैमडा कौन सा मोड चालू है एन टू सेकंड मोड सेकंड मोड के लिए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं वेलोसिटी की वैल्यू वही है अंडर रूट टी अपॉन एम एंड लैमडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास एल लैमडा की वैल्यू कितनी डाल दी एन और एन टू की वैल्यू बन गई वन अपॉन एल अंडर रूट टी बाय अब देखिए हमें अगर यहां पे इक्वेशन पहले जैसा करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जैसा तो हम क्या कर सकते हैं एन टू इज इक्वल्स टू टू अपॉन टॉय सेल अंडर अपॉन एम क्यों मैंने यहां पे कुछ चेंज नहीं किया बस यहां पे मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन टू न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय टू कर लिया सो वी कैन राइट एन टू इज इक्वल्स टू टू इन ब्रैकेट वन अपॉन टॉय सेल अंडर उपॉन एम बन गया सो वन अपॉन टॉइस एल अंडर टी अपॉन एम कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो वी कैन राइट एन टू इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ एन और टॉइस ऑफ एन वन बन गई एन टू इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे लिए टॉइस ऑफ एन वन इसे कहा जाता है दिस टर्म इट इज कॉल्ड एज ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगली फ्रीक्वेंसी है और इंटीग्रल मल्टीपल कौन सा है टू है सो दिस इज अवर सेकेंड हार्मोनिक कौन तो सा हार्मोनिक है सेकंड हार्मोनिक और ओवरलैपिंग कितने टाइम्स हुई अभी एक ही टाइम हुई ना एन उसके ऊपर क्या आ गया एन तो कितना आया टू एन सो ओवरलैपिंग कितने बार हुई एक बार सो हम क्या कह सकते हैं सेकंड हार्मोनिक और कौन सा फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास ओवरटोन दिस इज आवर सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज गिविंग अस सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको समझ में आ रहा है हम क्या करते हैं हम नोड 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 जितने है उनकी सबकी को करते हैं की वैल्यू निकालते हैं और लैमडा की वैल्यू निकालने के बाद वी इज इक्वल्स टू तो एन लेमडा के फॉर्मूला में उसको क्या करते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं और हमें ऐसा मिला सेकंड मोड में एन टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन वन दट इज सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर टोन ऐसे ही हम थर्ड मोड पे डिस्कशन करेंगे मैं जानबूझ के ये आपको निकाल के दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए आपके दिमाग में थर्ड मोड के लिए अभी कैलकुलेशन शुरू हो जाने चाहिए अब हम थर्ड मोड देखेंगे सो दिस इज आवर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन सो दिस इज थर्ड मोड अब इस थर्ड मोड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहां पे फिर से वाइब्रेटिंग मेथड वही है मेथड में कोई चेंज नहीं है वाइब्रेटिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग लेंथ कौन सी निकालनी है नोड 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 चार नोड यहां पर बन गए थे इज इक्वल्स टू क्या बन गया एल नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना है लेमड़ा बाय टू नोड टू नोड का डिस्टेंस लेमड़ा बास टू कितना है एल लेमडा बाय टू प्लस लैमडा बाय टू लेमड़ा लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाय टू थ्री लेमडा बाय टू देर फोर वी गेट थ्री लेमडा बाय टू इज इक्वल्स टू एल एंड लेमडा इज इक्वल्स टू टू एल अपॉन थ्री आ गया लेमडा इज इक्वल्स टू कितना है टू एल अपॉन थ्री नाउ हमारा फॉर्मूला वही V इज इक्वल्स टू क्या एन मल्टीप्लाइड बाय लैमडा हमें थर्ड मोड निकालना है देयरफोर एन थ्री इज इक्वल्स टू क्या बन गया V अपॉन लैमडा वेलोसिटी की वैल्यू क्या है अंडर रूड टी बायम एंड लैमडा की वैल्यू कि, कितना है टॉइस एल बाय थ्री देयर फोर वी कैन राइट एन थ्री इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एल अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन एम कैन बी द इक्वेशन अब इसे अगर हम अरीअरेंज करेंगे तो कितना है एन थ्री इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू एल अंडर अपॉन एम आपको समझ में आ गया होगा वन अपॉन टूट टी बातेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो वी कैन राइट एन थ्री इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ कितना बन गया हमारे लिए एन वन अब थ्राइस ऑफ एन वन है यानी क्या है थ्राइस ऑफ एन वन यानी कितना फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक बन गया कौन सा हार्मोनिक बन गया थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरटोन पहला ओवरटोन कहां पे हुआ था सेकंड मोड पे अब ये कौन सा ओवरटोन हो गया सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक एंड कौन सा ओवरटोन हो गया सेकंड ओवरटोन ऐसे अगर एनएथ हार्मोनिक बनेगा तो ओवरटोन कौन सा होगा एन माइनस वन ये समझ में आ गया थर्ड हार्मोनिक यानी सेकंड ओवरटोन देखिए फर्स्ट हार्मोनिक प्रेजेंट है सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट है थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है ऐसे अगर फोर्थ मोड पे जाएंगे तो कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा फोर्थ हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा फिफ्थ हार्मोनिक अगर समझ लीजिए हंड्रेड हार्मोनिक रहेगा हंड्रेड हार्मोनिक रहेगा तो ओवरटोन कौन सा रहेगा नाइनटी नाइन ओवरटोन रहेगा सो दीज आर द कंक्लूजन अब हमें क्या करना है हमें इन फॉर्मूलाज पे से हमें निकालना है एक कंक्लूजन जिसके बारे में हम बात करेंगे कंक्लूजन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सो हम दो से तीन कंक्लूजन लिखेंगे उसमें पहला कंक्लूजन क्या आ गया ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट इज ऑड एंड इवन यानी क्योंकि एन प्रेजेंट था टू एन प्रेजेंट था थ्री एन प्रेजेंट था एंड सो ऑन अगर हम यहां पे लिखेंगे एन इज हार्मोनिक एन क्या है हार्मोनिक एन माइनस वन क्या आ गया हमारे लिए ओवरटोन एन इज हार्मोनिक एन माइनस वन कितना है ओवरटोन है एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं जैसे आप केमिस्ट्री में तैयार करते हैं सो जनरल फॉर्मूला अगर हमने बना दिया जनरल फॉर्मूला वी कैन राइट एन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू पी बाय टॉय सेल अंडर उपॉन एम वेयर पी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर ऑफ लूप आ गया समझ में यानी क्या रहेगा एन अगर हमें मोड लिखना है फिफ्थ मोड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा फाइव बाय ट्वाल अंडर उम समझ लीजिए एट्थ मोड है तो एट बाय ट्व सेल अंडर उम दिल बी द केस यह आ गया हमारा कौन सा फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमें अब क्या करना है हम इस फॉर्मूला पे से लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बनाएंगे जो बहुत आसान लॉज है तीन लॉ बना है जो इस फॉर्मूला पे से हमारे बन जाएगा जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में बनाए थे और हमारा क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन चार मार्क का क्वेश्चन है देखिए आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग निकालने हैं और लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी लिखने हैं कभी कभी मार्क्स के लिए सिर्फ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी लिखने को आते हैं तो हमें सिर्फ इसके बाद में लॉज लिखने पड़ेंगे सो so, आज ही हम लॉज कंक्लूड कर लेंगे ताकि आपका पूरा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाए so, यहां तक का लेक्चर आपका आ गया एक्सप्रेशन दिस इज जनरल फॉर्मूला अब हम क्या करेंगे अब हम एक्सप्रेशन से लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बनाएंगे

फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ऑफ़ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग व्हेन टी एंड एम आर कांस्टेंट सो ये प्रोपोर्शन कैसा है एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एल आ गया दिस इज आवर फर्स्ट लॉ दैट इज कंसिडर्ड टू बी लॉ ऑफ लेंथ ऐसा ही अगर हम अगर सेकेंड लॉ लेंगे तो उसे कौन सा लॉ कहा जाएगा लॉ ऑफ टेंशन सो मूव लेट्स मूव टू लॉ ऑफ टेंशन लॉ ऑफ टेंशन में आप क्या कह सकते, है? सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वे रूट ऑफ टेंशन कब वेन एल एंड एम आर कह सकते क्या कह सकते हैं हम कॉन्स्टेंट दिन वेर एन इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसे आपको लाइन में लिखना है क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टेंशन इन द वायर कॉल्ड एज वेयर टी इट इज कंसिडर्ड टू बी टेंशन इन वायर एंड एन कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गया सो वी कैन राइट द लॉ ऑफ टेंशन एज एन दैट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टेंशन अब हम जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट लॉ इज फॉर लॉ ऑफ एम दास पर यूनिट लेंथ सो देखिये लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं लिनियर डेंसिटी सो यहां से हमें लॉ मिलेगा एन is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to square रूट ऑफ m where वी कैन राइट m इज लिनियर डेंसिटी एंड एन कौन सी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो बहुत बार क्या हो जाता है हमें लिनियर डेंसिटी इस नाम से इक्वेशन पूछ लिया जाता है तो तब हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए स्मॉल एम दिनियर डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ आपको ये समझ में आ गए होंगे तीन लॉक बिकॉज ऑल थ्री लॉज आर डिपेंडेंट ऑन एन इज इक्वल टू वन अपॉन टॉय सेल अंडर टी अपॉन एम यानी हमने पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था सबसे पहला ऑन फर्स्ट मोड वही ऑपरेशन हमने क्या करा है कंटिन्यू किया है कि सबसे पहले हम नोड्स नोड्स का डिस्टेंस निकालते हैं फिर वहां से लैमडा की वैल्यू फिर वहां से वी इज इक्वल्स टू एन लैमडा में सबस्टिट्यूशन इट इज द ओनली प्रोसेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एटलीस्ट वीडियो में भी दो बार देखे देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए उसके बाद में अपने नोटबुक में लिखिए देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो अगर हो जाए तो आप हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है सो दिस इज दिस टू और थ्री क्वेश्चन फ्रॉम टूडे आज कल परसों ये तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो विच विल डिफाइन अवर फिजिक्स एबिलिटी सो इस एक्सप्रेशन को इस लेक्चर को आपको दो से तीन बार देखना है और लिख के एज अ होमवर्क ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है सो so, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सबको भेजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है लॉज ऑफ फाइबरेटिंग स्ट्रिंग खुद पढ़िए दूसरों को पढ़ाइए और पढ़ते रहिए थैंक यू